अपनी छोड़ी हुई पत्नी को सबक सिखाने के लिए एक आरोपी ने दादर और कल्याण रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी, लेकिन नालासोपारा की पेल्हार पुलिस ने महज 2 घंटे में आरोपी को ढूंढ निकाला। शुक्रवार करीब 11 बजे मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के कंट्रोल रूम में एक गुमनाम कॉल आई। फोन करने वाले व्यक्ति ने दादर और कल्याण रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी। इससे पुलिस तंत्र सतर्क हो गया। फोन नालासोपारा इलाके से आया था, इसीलिए पेल्हार पुलिस इसकी जांच में जुट गई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी और पुलिस उप निरीक्षक तुकाराम भोपाले ने रात भर तकनीकी विश्लेषण कर जांच शुरू की। आरोपी का मोबाइल नंबर बंद था। पुलिस को जब इस फोन की जानकारी मिली तो उसका पता केवल ओम शिवसाई चौल था, इसलिए पुलिस टीम ने रातों रात इलाके में ओम शिवसाई नाम की सभी चालें खंगाली। इसी दौरान पुलिस को सीसीटीवी में एक संदिग्ध नजर आया। इससे पुलिस का काम आसान हो गया और उसे नालासोपारा के बिलालपाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी विकास शुक्ला मजदूरी करता है। 1.5 साल पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर कल्याण चली गई। वो काम के सिलसिले में कल्याण से दादर जा रही थी। पुलिस ने कहा, इसलिए अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए उसने नशे की हालत में कल्याण और दादर रेलवे स्टेशनों पर बम रखने की धमकी दी थी। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।